नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्राची गौड़ है एंड मैं बाय प्रोफेशन एक करियर कोच हूँ। एक संस्था चलाती हूँ, रिमार्केबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मिशन है सारे स्टूडेंट्स को राइट जगह पे राइट टाइम पे एजुकेशन गाइडेंस देना। और ये काम हम बहुत सारे स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे टीचर्स के लिए और हमारे इंडिया के यूथ के लिए, कि आने वाली पीढ़ी सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से पहुंचे, ये एक इनिशिएटिव के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसी चीज़ को लेते हुए हम जगह जगह नई नई स्कूलों में पहुँच रहे हैं। जब बात नारी शक्ति की हम करते हैं, बात करने की जरूरत मुझे तो नहीं लगता, ये सिर्फ एक, हर चीज़ के लिए एक दिन होता है, एक शुरुआत होती है और इसी तरीके से इस दिन की भी एक शुरुआत है। शक्ति तो अपने आप में है, ये तो दुर्गा है, देवी है, सरस्वती है, तो शक्ति ऊपर वाले ने हमें बना के भेजा है। तो बात करने के लिए आई थिंक कहीं लुप्त हो गई थी, कहीं छुप गई थी और आज वापस से ये नींव का पत्थर रखा गया है, इस पर डिस्कशन की चर्चा है। नारी शक्ति और ये वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन नहीं है, इट्स अ वुमेन ईयर एंड वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग इट। सो जस्ट एक शुरुआत पीढ़ी है। देखिए, मैं बहुत छोटी सी और अच्छी सी बात आपको बताऊंगी। पीयूष पंडित जी और स्वर्ण भारत ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया है, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, हर देश के हर एक कोने से छोटे छोटे लोगों को ले ला करके और हर शहर से, इस तरीके की उन फीमेल्स को यहाँ पर मोटिवेशन मिल रहा है, ताकि जब ये अपने शहर में जाएं और कुछ काम करें तो उनके अंदर भी वही मोटिवेशन, वही जज्बा हो यहाँ तक पहुँचने का। और ये शहर से बाहर निकल के नेशनल प्लेटफॉर्म है, तो जब वो वापस जाएंगी तो चार लोगों में और प्रोत्साहन होगा यहाँ तक आने का और कुछ नया करने का। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ मोटिवेशन, और ताकि सारे ही लोग एक नई तरीके से, नई पीढ़ी की तरीके से काम कर सकेंगे।